आदमी की एक सैलरी होती है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो किसी के यहाँ कोई सेल का टारगेट पूरा करता है, उसका मंथली टारगेट उसको 1 तारीख को ही उसको डिसाइड करना पड़ता है। कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपया महीना बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों के लिए 1 लाख रुपया दिन का बहुत कम होता है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किस शिप में ट्रैवल करना है। ट्रांजैक्शन करने से पहले आप अपनी सैलरी महीने के बीच में चेंज नहीं कर सकते। किसी भी आदमी की सैलरी जो है वो महीने के शुरू में, महीने के बीच में इंक्रीमेंट किसी की नहीं होती है। महीने के बीच में इंसेंटिव ज़्यादा मिल सकता है आदमी को, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होती है। एक रिक्वेस्ट छोटी सी सबके लिए, प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दीजिए या स्विच कर दीजिए ऑफ, या साइलेंट मोड पे डाल दीजिए। इस प्रोफेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, दिस इज डिसिप्लिन। ये रेड लाइट जिसने भी डिफाइन करी थी पिछले 50 साल में, उससे ही सबसे बड़ा ये था कि इसको अगर आप देख के गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे, नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज इस प्रोफेशन का डिसिप्लिन है। आपकी क्वांटिटी क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चाहे वो बीच में पाकिस्तान अटैक करे या 2008 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी क्वांटिटी गलत है, आपकी एपेटाइट से गलत है, आपकी बोरोड मनी की क्वांटिटी है, देन यू आर डेफिनेटली अ लूजर। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको महीने में कितने पैसे कमाने हैं, ये आपको खुद ही पता है, दूसरा आदमी नहीं बता सकता। डिफाइन योर मंथली टारगेट एंड सैलरी, खुद ही डिसाइड करिए कि मैंने कितने पैसे कमाने हैं, उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। आई होप सबको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस आता है। जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करेंगे, नहीं आता ओके, बाकी सबको फ्यूचर ऑप्शन आता है। मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जो स्टॉप लॉस नहीं लेता। आई डोंट बिलीव इन स्टॉप लॉस। 24 साल का है प्रोफेशन मेरा एक्सपीरियंस, मैंने स्टॉप लॉस कभी नहीं लिया। पोजीशन ही आपने उतनी बनानी है जिसमें आपने स्टॉप लॉस नहीं लेना है। स्टॉप लॉस कभी नहीं लिया, मतलब स्टॉप लॉस लगाया नहीं या कभी लिया ही नहीं? कटा नहीं सुनील जी, कभी नहीं लिया। अच्छा, लिया होता तो अच्छा ही, कभी लिया स्टॉप लॉस नहीं लिया। और इफ द यू नो द प्राइस इज गोइंग अपोजिट टू योर डायरेक्शन, देन व्हाट डू यू? सुनील, आपको ना अपने पोर्टफोलियो में उसी स्क्रिप्ट को डालना है जिसको आप संभाल सकते हो। इट इज जस्ट लाइक योर सन और ए रिलेटिव। आप अपने पोर्टफोलियो में किसी पड़ोसी के बेटे को नहीं कर सकते। कोई चीज मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में वो ही स्क्रिप्ट डालेंगे जो अगले 5 साल तक आप उसको संभाल सकते हैं, चाहे वो एफेंडो में है चाहे वो डिलीवरी में है। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और नेक्स्ट 4 ईयर्स में ये 40% गिर सकता है, प्लीज डोंट ऐड। अगर आपको रिलायंस कैपिटल या रिलायंस इंफ्रा नहीं है, उसकी वॉलेटिलिटी सहन नहीं होती, प्लीज डोंट ऐड। शेयर कहीं नहीं जाता सर, आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अब किसी के कहने पे आप एक्स वाई जेड इंडस्ट्रीज खरीद लेते हैं, उस वक्त 40% बढ़ेगा, फिर 3 साल के बाद वो 10 रुपीज का आ जाता है, वो शेयर नहीं डालिए अपने पोर्टफोलियो में। आप पहले डिसाइड करिए कि आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करनी चाहिए, और अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अपने बच्चों पे ही ट्रेडिंग करनी है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में डालो, और डिलीवरी किसी के कहने पे लेनी है जिसको आप आइडियल मानो। और इस प्रोफेशन में तभी आना है आपको इफ यू आर ग्रीडी। बिजी रहने के लिए काम नहीं करना। तो बेसिकली ये वही जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसका सबसे कम प्रीमियम होगा, जो सबसे ज्यादा लिक्विड है हां उसका सबसे कम प्रीमियम होगा। लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, लेस वोलेटाइल, लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा वोलेटाइल है, उसके अंदर वो कम होगा। बैंक निफ्टी सर
सबसे ज्यादा नॉटी है ना, कंपेयरिंग अ बैंक निफ्टी विद अदर इंडेक्स एंड बैंक स्टॉक्स। अब बैंक स्टॉक्स में तो स्कैम्स निकल जाएंगे ना, क्या करोगे? वही मैं बोल रहा हूं, लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी जिसमें कम होगी। आप सिर्फ अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करोगे तो रिस्की है वो, आप बैंक निफ्टी में करो ना, क्योंकि आपने समझा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं लेना है। लोग स्टॉप लॉस लेके उनको रियलाइज नहीं हो रहा है, दे आर उनका लिक्विड उनका पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे से। हर आदमी के पास लिमिटेड पैसा है, हर आदमी के पास लिमिटेड पैसा है। जब सारा पैसा चला जाता है तो उसके बाद उसको समझ आता है कि अगर मैं इस तरीके से काम करता तो मैं बच जाता हूँ। उस वक्त उसको कोई आदमी पैसे नहीं देता। आपको कुछ ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे सर, अभी आप देखो आपकी कैपेसिटी से ही आपका काम करेगा, कोई पैसे बोरो नहीं करने पड़ेंगे आपको, कोई मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। जितनी आपकी कैपेसिटी है मार्जिन देने की उतनी ही कैपेसिटी पे ही काम करेंगे, और इतना मार्जिन जरूर होना चाहिए आपके पास कि आपको 3 साल तक आपको वहां बैठना है। अगर आप 100 निफ्टी खरीदते हो और वो 50% गिर जाती है, अगर आप उसको नहीं संभाल सकते तब फिर इस प्रोफेशन में काम मत करिए। मैं 100 निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हाँ 1000 निफ्टी की कैपेसिटी नहीं होगी। 100 निफ्टी अगर आप 8300 पे निफ्टी ले रहे हो 100 और 100 मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 लिखा है, लॉट है 75 का, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 का लिया है, 75 में लोगे तो मेरा कहने का मतलब है अगर आप 8300 पे निफ्टी ले रहे हो और अगर 4300 निफ्टी आ जाती है और आपका नहीं पैसा संभाल सकता था, इसका रेट ही नहीं घटता है। टेक्नोलॉजी तो अगले दिन वीक हो रही है, घटता ही नहीं है रेट इसका। और दूसरा क्या है कि सॉफ्टवेयर खरीदने से पैसे नहीं आएंगे आपको, आपको लर्निंग से पैसे आएंगे। आपको जिस वेंडर के थ्रू जो भी आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो उससे आप ट्रेनिंग लो, आप हर 2 महीने के बाद ट्रेनिंग लो। इस प्रोफेशन की सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग की है। आप वो ट्रेनिंग जो है वो आपका एक वर्चुअल एम्प्लॉय है जिसको आपको हायर करना पड़ेगा, वो आपको दिखेगा नहीं। जब भी हम हर महीने अपनी बैलेंस शीट निकालते हैं कॉस्ट जरूर डालते हैं उसमें कि ये एक एम्प्लॉय है जिसको हमें फीड करना ही करना है, बिजली का बिल देना है ना, तो वैसे इस एम्प्लॉय को पैसे देने हैं जो हमें पढ़ाएगा। सॉफ्टवेयर खरीदने से पैसे नहीं आते, अगर ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदने से पैसे आते तो सॉफ्टवेयर बिकता ही नहीं, जिसने बनाया था वही देयर सेल्समैन। सबके घर में रामायण आई थिंक किसी ने नहीं पढ़ी होगी, सबके घर में सास बहू की लड़ाई होती है, सब सीरियल आते हैं लेकिन तब की लड़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली व्हाइट बोर्ड यूज करना है, लाइट चलानी पड़ेगी। रोहित फिर कब घुसना है वो चार्ट पे दिखेगा। निफ्टी का 100 शेयर का एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आई थिंक 75 का लॉट है, क्यों करना है वो चार्ट के बेसिस पे करेंगे हम लोग, कैसे करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूं। महीने के शुरू में अगर हम महीना 1 से 30 तक का लेते हैं
अगर CMP 8750 है निफ्टी की, महीने के शुरू में बोल रहा हूँ मैं, हम लोग कभी भी नेक्स्ट मंथ नहीं जाते हैं, हम उसी महीने में काम करते हैं। नेक्स्ट मंथ अगर हम जाते हैं तो लास्ट थर्सडे या वेडनेसडे को जाते हैं, उससे पहले नहीं। सिर्फ आउट द मनी की कॉल खरीद लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कहते हो कि मैं पुट क्यों बेचता हूँ, सिर्फ आउट द मनी की कॉल खरीद लेता हूँ। यूजली क्या होता है कि चीज गल जाती है, वेस्ट हो जाते हैं आपके पैसे। अगर आपका मूव गलत हुआ, तो वो नोट पे वाली चीज जीरो हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका मूव 50% सही होता है और 50% सही नहीं होता है, तो कम से कम 50% तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो आपको अपने पैसे की फंडिंग खुद ही करनी चाहिए। हम लोग पहले नहीं करते थे ये चीज, हम लोग सिर्फ पहले आउट द मनी कॉल या आउट द मनी पुट खरीद लेते थे, और पैसे 3-4 बार लगातार अगर आपके पास पैसे वेस्ट हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपने वॉल कितने की खरीदी? 9100 दैट इज एट हाउ मच प्रीमियम? 9 रुपीस। सो इज दिस अ लॉन्ग स्ट्रेटजी? इंग्लिश का वर्ड तो मुझे पता नहीं। हां वही है ना, लॉन्ग स्ट्रेटजी। नहीं नहीं, लॉन्ग स्ट्रेटजी में बाय दोनों बाय होते हैं। मैंने 90 कॉलिंग जो नोट पे वाला प्रीमियम है वो 300 रुपए प्रीमियम हो गया था। 300 × 5000, 100 निफ्टी में काम करने वाला आदमी 17 लाख रुपए कमा गया। 17 लाख रुपए सवाल की वो पुट भेजने का मुझे फायदा क्या है? सर ये तो बता दीजिए, कन्वर्ट कैसे हुआ? हर 3 महीने में ये बनता है, बैंक निफ्टी में हर 15 दिन में बनता है। बैंक निफ्टी में ये हर 15 दिन में बनता है, निफ्टी में ये हर 2 महीने में बनता है। सर ये कन्वर्ट कैसे हो गई? कन्वर्ट कैसे, मतलब कैलकुलेशन तो पूरी कर दीजिए। सब ये ऑपरेट हो रहा है, आप ये देखिए ना, मतलब आप एक्सपायरी तक वेट नहीं करेंगे। अगर मार्केट में मूवमेंट आ गई, प्रीमियम एकदम चेंज होता है। अगर 20th तक निफ्टी अगर 9200 हो गई तो जो आपको खुद ही काटना पड़ेगा, जिद में बैठे रहोगे। फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा 80 कब जाएगी, कहती अब 80 कभी नहीं जाएगी। कहता थर्सडे को 3:30 बजे सिर्फ डर के पैसे थे कि रात को कोई अटैक ना हो जाए। थर्सडे को जो निफ्टी थी वही फ्राइडे को खुली थी, लेकिन प्रीमियम घट गया था। प्रॉफिट में नहीं निकलेगा, स्टॉप लॉस तो लेना ही नहीं ना कभी जिंदगी में। स्टॉप लॉस क्यों लोगे आप? लॉस में आ जाएंगे। क्यों लॉस में आ जाएंगे? मैं तो कह रहा हूँ ना, स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है आपको। 100 निफ्टी में कितना लॉस हो जाएगा? यू आर सेइंग कि 3.5 लाख रुपए आ रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूँ। कुछ और इवेंट होता है वापस ही चली जा सकता है ना। आई ना, हमने 47 में बेची, हमने 82 में नहीं बेची। कोई ना कैसे डिसाइड करो आप, और कितने में दिया? हमने 18 रुपए में ली थी। 82 की जगह 47 में बेची, और 82 के साथ अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो फिर 400 में कैसे बिकेगी? उसका कुछ कैलकुलेशन आपको अगर कुछ हो जाता वहाँ से बैक फायर, तो यही चीज़ सुबह 400 रुपये की। ये सेम थी 2009 में हुई थी, इलेक्शन से रिजल्ट से पहले 3750 था आई थिंक निफ्टी शेयर 2008 इलेक्शन से पहले, और 4000 की कॉल 2200 रुपये में चलती थी, खुली 600 रुपये की। 600 रुपीस खुली थी और मंडे को मार्केट बंद हो गई। हाउ कैन यू मेक इट अ रेगुलर बिजनेस मॉड्यूल? दिस इज अ रेगुलर बिजनेस मॉड्यूल, अभी आपको दिखाऊंगा रेगुलर बिजनेस। दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स यू नो व्हिच विल गिव यू सुपर सुपर प्रॉफिट, डोंट हैपन टू कमाने हैं कि डेली कमाने हैं? मंथ टू मंथ, ये मंथ टू मंथ ही है। बैंक निफ्टी में फोर्टनाइटली टू फोर्टनाइटली है, और निफ्टी में ये क्वार्टरली में एक इवेंट देता ही देता है। अभी आपको खोलना सारी ये लाइव है, मतलब ये मतलब ये एक्चुअल चार्ट है। 2nd जनवरी 2012
ये एक्चुअल चार्ज है। मैंने कोई कॉपोच नहीं किया, इसके कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है, सिर्फ ये एरो मैंने खुद लगाया है, एक ये एरो और एक ये, और दिखा, और दिखाओ ये एक्चुअल चार्ज से। और जब 8300 आ जाएगा तो कहेगा मैंने 8600 पर देखा, ये वो लोग हैं। पहले वाला तो थ्योरेटिकल है, दो बार लॉस होगा, किसी बार ट्रेड नहीं करेंगे, नॉर्मली जो आप कह रहे हैं वही है बताएगा। अगर बैंक निफ्टी करंट प्राइस 19,000 रुपीस चल रही है, अगर 100 उसका आई थिंक 25 का लॉट है, कैलकुलेशन आसान करने, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 लेते हैं, 50 और हम अभी तेजी खेल रहे हैं, आप तेजी खेल रहे हैं, तेजी खेल रहे हैं, तो 1900 की जो पुट है 19,000 की वो आप 50 बेचेंगे और 18,500 की भी 50 बेचेंगे, और अगर जो आप कैश का शेड खरीदते हैं किसी के कहने पे, उस आदमी पे ट्रस्ट रखिए, और अगर वो स्टॉक 25% घट जाता है तो आप उसको और ऐड करिए, और वो जब वो 25% दोबारा बढ़ता है तो उसको बेच दीजिए, अपना कंसिडरेशन उतना ही रखिए, किसी को ओवरवेट नहीं करना है। टेम्परेरली आपको ओवरवेट करना पड़ेगा बिकॉज वो गिर गया है, बढ़ने में ओवरवेट नहीं करना है हमेशा। ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग में डिलीवरी की बात करना, और स्टॉक में भी ट्रेडिंग करना है, डिलीवरी वाले स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना है। डिलीवरी वाला शेयर आपने लेके लॉकर में रख दिया है 3 years और 5 times, जो भी पहले आएगा तब सोचेंगे। बिजी रहने के लिए इस प्रोफेशन में मत आइए प्लीज। कभी कभी आपको ट्रेडिंग 3:15 करने को मिलेगी, और मिलेगी जरूर मिलेगी। निफ्टी का सबको समझ आ गया है, 5% पे करना है, खुद ही फंडिंग करनी है। बैंक निफ्टी में आपको 50% करंट प्राइस पे, अगर आपने CMP 19,000 चल रही है बैंक निफ्टी, और हमने तेजी खेलनी है, 19,000 की पी या 50 बेचेंगे, अजीब सा लग रहा है, और 18,500 की पी भी 50 बेचेंगे आप, पी इसमें आपको तेजी खेल रहे हैं मिले, और हाँ जी। अगर वो सेल होता है, मैंने कैलकुलेशन 60 रुपीज़ मिले।